राम राम कोडर्स, आई होप सब पे बहुत अच्छे होंगे। एंड आपने लास्ट वीडियो जो कि पैस्कल ट्रायंगल था विथ रिकर्शन वो देखा ही होगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, राइट? पैस्कल ट्रायंगल विथ रिकर्शन। तो चलिए आज के क्वेश्चन चलते हैं, विच इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। या द क्वेश्चन इज डिलीट मिडिल एलिमेंट ऑफ स्टैक। मतलब क्या, नाम से समझ में आ रहा है कि आपको स्टैक दिया जाए, एक स्टैक है, ठीक है? 1 2 3 4 5, तो इसका मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा बताइए। ये वाला आपको डिलीट करना है, एंड आपके रिटर्न होगा 1 2 4 5, राइट? क्लियर? और क्या कर सकते यस हैं, अगर अगर इवन एलिमेंट हुआ 1 2 3 4, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या बोला कि सी सी मतलब वही, मतलब बेसिकली अगर इवन एलिमेंट है तो 4/2 क्या होगा, 2। यू हैव टू डिवाइड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द बॉटम। क्वेश्चन में लिखा नहीं फ्रॉम द बॉटम, बट ये फ्रॉम द बॉटम होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन जब मैं अटेम्प्ट किया था तो मेरा बहुत बड़ा गलती हो गया, तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया, फ्रॉम द बॉटम होगा, तो इसको डिलीट करना है, राइट? ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1 3 4, ठीक है? तो क्लियर है क्वेश्चन? नाउ आई रिकमेंड कि एक बार पॉज कीजिए, प्लीज ट्राई कीजिए प्लीज। अब मैं शिव आपसे पूछता हूँ, शिव कैसे आप पीएमए लगा पा रहे हो? कर थोड़ा समझ पाना मुश्किल है, कैसे करेंगे ऐसे इसको। एक बार गोल हो जाते हैं गाइस। देखो ऐसे मैथ्स हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं, या फिर ट्यूशन में हम लोग सर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाते हैं ना, उसके बाद हम जाके एक्सरसाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो सर जो 3-4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाते हैं, एक टाइप का तो नहीं करवाते होंगे, अलग अलग करवाते होंगे, ताकि वी गेट अ फेवर ऑफ हाउ टू थिंक ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो रिकर्शन में कुछ वैसा ही है, तो आपको थोड़ा डिफरेंट वैरायटी प्रैक्टिस होने के बाद देन यू कैन गेट अ इंट्यूशन हाउ टू सॉल्व, ठीक है? तो शिव बेसिकली अगर आपको मिडिल एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है, हम लोग शिव इसमें क्या सीखे थे बताइए। इसमें पहले तो स्टेप था कि बेस कंडीशन, और पहले हम ऐसे एज्यूम करते कि अगर एन 0 है, एरे में सॉरी स्टैक में एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या डिलीट करोगे? कुछ नहीं, तो क्या करना चाहिए शुभ बताया, अगर रन 0 है तो रिटर्न सिंपल। ये तो हम लोग मान लेते हैं कि एन माइनस 1 का काम हो चुका है, अपने को बस एन का काम करना है ना। तो इस केस में अगर मैं मान लूँ कि इसका काम हो चुका है, भाई जो भी काम था मुझे पता नहीं काम क्या है, पर हो चुका है, मेरे को बस 4 का काम करना है, तो मैं 4 को निकाला मेरे पास, बाकी सब का काम मैं कॉल कर दिया क्या पीएमआई, तो वो काम कर देगा बाकी सब का, ठीक है? अब बस बाकी 4 को मुझे डालना है। अब क्वेश्चन क्या है कि मिडिल एलिमेंट डिलीट करना है, तो मैं चेक करूंगा क्या 4 मिडिल एलिमेंट है, इस केस में तो नहीं है 4, तो उसको ऐसे डाल दूंगा। अगर 4 मिडिल एलिमेंट हुआ तो नहीं डालूंगा, ये तो करना है। अगर 4 मिडिल नहीं है तो उसको डाल दो, मिडिल एलिमेंट है तो मत डालो, दैट्स इट। तो बेस कंडीशन 0 तो रिटर्न, फिर अब हम लोग 4 को निकालेंगे, पॉप कर देंगे बेसिकली, फिर हम लोग अपना कॉल कर देंगे डिलीट फंक्शन को, फिर चेक कर देंगे कि अगर इवन नंबर है तो इवन में क्या करना चाहिए अपने को, कि हाँ इवन यू कैन चेक दैट आई प्लस 1 इज इक्वल, हाँ बेसिकली अगर आपका आई इक्वल टू एन बाय 2 प्लस 1 है ना, तो हाँ, क्योंकि नीचे से तो आपका दूसरा एलिमेंट है शुभ, ऊपर से वो तीसरा है, राइट? जो नीचे हाँ से दूसरा है ऊपर से तीसरा है, तो आप चेक कर सकते हो एन बाय 2 2 प्लस 1 3, अगर आई 3 हुआ आपका तो इधर हो, तो आपको इसको इंसर्ट नहीं करना है, आगे बढ़ जाना, नहीं तो आप इसको इंसर्ट कर दो, एक काम इतना ही तो और कर काम है। सकते करें कि आई को 0 से चालू करें काउंटिंग। हाँ अगर आप 0 बेस इंडेक्सिंग लेते हो तो 0 1 2 3, तो इस केस जीरो में बेस तो इंडेक्सिंग करने पे फोर बाय टू क्या हो दोनों जाएगा, एक साथ आ जाएगा। 4/2 आपका हो जाएगा 2, तो ये एलिमेंट आपको नहीं डालना है। अगर आप 5 एलिमेंट आपके पास होता है भी सपोज, तो फिर आप 0 बेस इंडेक्सिंग करते तो क्या होता है 0 1 2 3 4, तो अगेन आपका अभी होता 5/2 विच इज 2, तो आपको ये वाला रेस हो जाएगा। हाँ तो सही है, यू कैन टेक 0 बेस इंडेक्सिंग, उस वहां केस पर में हम आपको सील सील यूज कर सकते हैं, सील एसटीएल। अशुभ। आप 0 बेस करोगे तो सी का क्या काम है बताइए, देखो अब इधर से देखो ये है जैसे आपका 5/2 में थर्ड एलिमेंट रिमूव करना है ना, वो तो थ्री इसका, रिमूव हाँ करना हाँ पर उसका इंडेक्स तो 2 है ना, 0 बेस इंडेक्स में तो 2 ही रिमूव करना है, है। अच्छा ठीक है? तो ऐसे हो जाएगा। हाँ मतलब वो डिपेंडिंग ऑन इंडेक्सिंग और हाउ यू इम्प्लीमेंट, वो दूर की बात होगी, पर पहले आपको समझ में आना चाहिए करना क्या है शुभ, ठीक है ना? एन 0 तो रिटर्न कर दो, नहीं तो बाद का काम तो अपने को करना ही नहीं है, बस अब तो टॉप एलिमेंट का ध्यान देना है कि अगर वो मिडिल एलिमेंट नहीं है तो भाई हटा दो, मिडिल एलिमेंट नहीं है तो छोड़ दो, अगर मिडिल एलिमेंट है तो रिमूव कर दो, रिमूव मत और इंसर्ट ही मत करो, मिडिल नहीं है तो इसको फिर से इंसर्ट निकाल देते, फिर इंसर्ट कर दो, दैट्स इट। अगर थोड़ा शुरू से इम्प्लीमेंट करें, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप, माई ऑडियंस इज स्मार्ट। क्या करना है, सिर्फ डिलीट मिडिल एलिमेंट और स्टैक दे देते हैं। नाउ वी आर ने 0 बेस्ट इंडेक्सिंग में, तो फर्स्ट एलिमेंट पे 0 इंडेक्स पे एंड स्टैक का साइज h डॉट साइज, क्लियर? अब मैं जाता हूँ, मैं फंक्शन देता हूँ वर्ड
डिलीशियस का ध्यान रखना, वैसे गलतियां होती हैं। स्टैक एंड, तो आपको समझ में आया? यस तो अगर आई इक्वल टू एन है राइट, तो मतलब वी आर एट द एंड ऑफ द एरे, जीरो बेस इंडेक्सिंग है राइट। आई एन है जो हमारा बेस कैसे सके अरे एम्प्टी है शुड, तो क्या करेंगे हम रिटर्न रिटर्न, ठीक है। नहीं तो अपने को टॉप एलिमेंट को निकालना है राइट, एस डॉट टॉप निकालिए, और बाकी काम तो मेरे को मेहनत करना ही नहीं है, तो वो क्या करेगा पीएमआई क्या करेगा, एस आगे में काम करके ला देगा मेरे को, ठीक है। अब मुझे बस चेक करना है कि क्या ये मिडिल एलिमेंट है, तो सिंस जीरो बेस इंडेक्सिंग है कोई सीरियल का मेहनत नहीं है, पाई इज इक्वल टू एन बाई टू, अगर आई इक्वल टू एन बाई टू मतलब ये मिडिल एलिमेंट है, तो आई टू इरेज, मतलब इरेज करूंगा तो मतलब डालना ही नहीं है रिटर्न ऑफ क्या, एल्स अगर ये मिडिल एलिमेंट है तो इसको क्या करो चुप, नहीं ये मिडिल एलिमेंट नहीं है तो इसको डाल दो, जिससे निकाला थे वैसे चुपचाप सराफत से इंसर्ट कर दो, तो टॉप एलिमेंट फाइव, दैट्स इट एंड रिटर्न, दिस शुड वर्क राइट, कुछ मेहनत नहीं था, बस वो थिंकिंग डेवलप करना है कि अगर मिडिल एलिमेंट है तो करो, नहीं तो नहीं करो। आउटपुट क्या 5555 भाई भाई ऐसा आउटपुट आ गया, और सा क्या दिक्कत हो गया, आइए अगर एन के बराबर है तो यहाँ पर पॉप नहीं रिटर्न किया करें हम लोग। ओके। हाँ हम वो पॉप नहीं करे, छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इश्यू क्विक का डीएस होता है ना कि उसमें टॉप के साथ अपने आप पॉप भी हो जाता है, मैं भूल गया उसमें, इससे मैं करना भूल गया सर। नाउ आई थिंक ओके, हाँ शुभ यही होना चाहिए, 54213 गायब हो गया, ठीक है, होपफुली करेक्ट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, करेक्ट है। तो बस ये ध्यान देना अपने को क्वेश्चन का थिंकिंग लॉजिक कैसे लाना है, बस अपने को काम एक एलिमेंट पे करना रहता है, और बस कोई लोग सोचेंगे कि भैया कभी भी पहला एलिमेंट जिस पे अपने को काम करना है वो मिडिल एलिमेंट हो नहीं सकता, ऐसे बहुत सोचते हैं हम, क्यों आप ऐसा सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो, बिकॉज ये रिकर्शन है ना, तो आपको आगे मेहनत करना है, तो अभी ओवरऑल बस आप ये सोचो कि आपको एक एलिमेंट पे काम करना है, और काम क्या है, वो मिडिल एलिमेंट है कि नहीं है, आप मिडिल का वर्ड पे मत जाओ, बस क्वेश्चन पे जाओ, और क्या वो मिडिल है डिलीट करो, नहीं तो मत करो, बस एक पे आप एक एलिमेंट पे पूरा काम करो इरेस्पेक्टिव ऑफ वो एलिमेंट किस पोजिशन पे है, एक एलिमेंट पूरा काम करो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजिशन पे, पोजिशन मत सोचो, बस टॉप निकालो, मिडिल है तो चेक करो भाई, इतने तो चेक करना है तो खत्म, ये तो डाल दो वापस, सिंपल कुछ मेहनत नहीं, निकाले चेक किए डाल दिए, दैट्स इट। एंड आई थिंक ये कोड क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको भी, एंड स्टैक का और एक अच्छा क्वेश्चन जो मेरे को इच्छा था शॉर्ट स्टैक, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, तब तक स्टे ट्यून, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।